नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है रविवार 12 जून राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राज्य सरकार ने जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में फिनिशिंग स्कूल बनाने का एक बड़ा फैसला किया है। इसमें आपको बता दें कि वर्ल्ड क्लास कंपनियां आईटी इन्वेंशंस की ट्रेनिंग भी देंगी। साथ ही कैबिनेट ने अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को जैसलमेर में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 2397 हेक्टेयर सरकारी जमीन कीमत लेकर अलॉट करने का भी बड़ा निर्णय लिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मानसून को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में अगले 24 घंटे में एक्टिव होगा प्री मानसून। राजस्थान में शनिवार को भीषण गर्मी ने आम आदमी को परेशान कर दिया था। प्रदेश भर में तेज धूप और लू के थपेड़ों के बाद अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार भी कर गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश में प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के 21 जिलों में आंधी के साथ बारिश गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, सीकर और झुंझुनू जिलों में बरसेंगे बदरा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1033 पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका ने के 1033 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्र 21 से 40 तक रखी गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बेनीवाल बोले वसुंधरा राजे के गहलोत और गठजोड़ से हुई क्रॉस वोटिंग। कहा विधायक कुशवाहा ने किया खेल, कांग्रेस ने की हॉर्स ट्रेडिंग। आरएलबी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी विधायक शोभा कुशवाहा की कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग के कारण बीजेपी का आपको बता दें कि गठजोड़ बताया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जब राजस्थान में गहलोत सरकार गिर रही थी उस वक्त फ्लोर टेस्ट की बारी आई, तब भी वसुंधरा राजे ने सांस से 8 विधायकों को घायल करवाया था और आज धौलपुर की इसकी शुरुआत भी हो गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद राजस्थान में तेल कंपनियों की पेट्रोल डीजल पर अघोषित राशनिंग आदेश, रात 9 बजे के बाद पंप बंद रखें। तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने भले ही एक्साइज ड्यूटी घटा दी हो, लेकिन अब राजस्थान में दो तेल कंपनियां, एक SPCL एक BPCL, ये आपको बता दें कि इन्होंने घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों के सेल्स ऑफिसर पेट्रोल पंप संचालकों को खुले निर्देश दे रहे हैं कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे ही रखें, यानी रात 9 बजे के बाद पेट्रोल डीजल की बिक्री न करें, तेल की सेल घटाई जाए। दोनों कंपनियों के अफसरों ने अपने स्तर पर ही तेल कम देना शुरू कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, देसी घी 10 रुपये महंगा, वनस्पति सस्ता, सरसों 100 रुपये महंगा, सोयाबीन 150 रुपये महंगा, 150 रुपये सस्ती हुई है, वहीं जौ 50 रुपये तेज हुआ है। राजस्थान की मंडियों ने शनिवार को मंडियों में कारोबार की रफ्तार कुछ तेज हुई है। जयपुर की सूरजपुर मंडी में अधिकतर जिंसों के भाव स्थिर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने ली मंत्रियों की क्लास और कहा अब मंत्री जनता के लिए दरवाजा खोल दे। राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब प्रदेश की गहलोत सरकार मिशन 2023 में जुट चुकी है। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को कैबिनेट बैठक के दौरान आधे घंटे तक मंत्रियों की क्लास ली है। साथ ही उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि बंगले के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दें। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ।